गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन सेंस। दिस इज भावना शर्मा एंड आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी एक स्कर्ट जो कि मैंने अमेजोन से मंगवाई। ये जो स्कर्ट है ये मैंने अभी तक नहीं खोली है। आप देख सकते हैं कि इसकी जो पैकेजिंग है वो अभी तक बंद है। सो बेसिकली मैं ये अनबॉक्सिंग करना चाहती थी आपके साथ और आप लोगों को दिखाना चाहती थी कि किस तरह का प्रोडक्ट जो है वो मुझे रिसीव हुआ है। सो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों मैं इससे अब आप लोगों के सामने खोल रही हूँ। लेट्स सी कि किस तरह की जो कैंटन स्कर्ट है वो मुझे रिसीव हुई है। मैंने ये एक्चुअली यूट्यूब पर किसी को देखा था पहने हुए और मुझे ये स्कर्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। सो मैंने सोचा मैं भी इसे परचेज करूँ क्योंकि मुझे सख्त ज़रूरत थी एक कैंटन स्कर्ट की। सो बस मैं इन्वेस्ट करने से पहले ये सोच रही थी कि सर्च कर लूँ। सो बाय चांस मैंने किसी को देखा और उन्होंने इसका लिंक जो है वो शेयर कर रखा था। सो इसीलिए मैंने इसको परचेज किया। सो फ्रेंड्स ये मुझे अराउंड 799 या आई थिंक 899 के आसपास पड़ गई थी। एक्चुअली मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। सो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगी और इसका जो प्राइस है इसकी जो डिटेल्स हैं वो सारी के सारी आपको मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। सो फ्रेंड्स इसे मैं आप लोगों के सामने अनबॉक्सिंग कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का ये कैंटन स्कर्ट है। सो गाइस ये है आपकी कैंटन स्कर्ट और आई थिंक ये इन्होंने गलती करके दे रखी है। अच्छा ये इसका अंदर का एरिया है। सो गाइज अगर मैं इस स्कर्ट की लेंथ की बात करूँ तो मेरी जो लेंथ है वो अराउंड 5'1" या आई गेस 5'2" है। सो मुझे ये बिल्कुल फिट आ रही है। अगर आप मुझसे थोड़े से लंबे हैं तो मे बी ये स्कर्ट आपको थोड़ी सी छोटी पड़ सकती है, बट अकॉर्डिंग टू माई हाइट ये जो स्कर्ट है वो मुझे तो बिल्कुल सूट कर रही है। सो अगर आप भी 5.1, 5.2 या आई गेस 5.3 वालों को भी ये चलेगा, उससे ऊपर अगर आप लोग हैं तो प्लीज़ इसे परचेज मत कीजिएगा, फिर ये आप लोगों को छोटी पड़ सकती है। सो अगर इस स्कर्ट की घेर की बात मैं करूँ तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया घेर इन्होंने दे रखा है। आप देख सकते हैं मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि कितनी ज़्यादा अच्छी और बेस्ट क्वालिटी की जो है स्कर्ट है और आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा घेर इन्होंने दे रखा है और बिल्कुल वाइट कलर की ये स्कर्ट है। सो अपने आप में ना बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। कि अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ ना तो नेट की जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा फाइन क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी है। नीचे इन्होंने कुछ सुंदर सुंदर से फ्रिलिंग भी कर रखी है। एज यू कैन सी मैं आपको थोड़ा क्लोज आके दिखाती हूँ, कुछ बहुत ही छोटी छोटी सी इन्होंने यहाँ पर लाइक जो है लेसेस लगा रखे हैं जो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। और ऊपर जो है इन्होंने एक सॉफ्ट फैब्रिक लगा रखा है। सो बेसिकली नीचे जो है एक स्नेट के नीचे जो है वो भी काफी सॉफ्ट फैब्रिक है ताकि आपको चुभे नहीं। आई थिंक लिनन का ये फैब्रिक है बट इट्स ओके फैब्रिक, इट्स गुड, बेस्ट क्वालिटी लग रही है। नेट की क्वालिटी भी गुड है और स्कर्ट भी मुझे अच्छी लग रही है। सो वेस्ट एरिया की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने कुछ इस तरह का फैब्रिक ऊपर ऐड कर रखा है। सो ये भी काफ़ी सॉफ्ट है। ओवरऑल अगर मैं स्कर्ट की बात करूँ तो मुझे ये स्कर्ट बहुत अच्छी लगी, नॉट अ बैड डील। थोड़ा सा महंगा ज़रूर मुझे लगा था क्योंकि ये अराउंड 799 या 899 पता नहीं मुझे याद क्यों नहीं आ रहा प्राइस, लेकिन ऐसे ही कुछ मुझे पड़ गया था और थोड़ा सा मुझे उस समय लगा था महंगा कि शायद मैं बहुत ज़्यादा महंगी डील में इन्वेस्ट कर रही हूँ। ये प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ज़्यादा महंगा इसे नहीं खरीदा। जिस हिसाब से इसकी क्वालिटी है मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो बुरी नहीं है। और वैसे भी आगे आपके साथ मैं हम बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ शेयर करने वाली हूँ जिनमें मैं आप लोगों को साड़ी, लहंगा और अलग अलग ड्रेसिंग जो है वो सिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। सो मेरे वीडियोस को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो स्पेशली उन वीडियोस के लिए ही मैंने ये कैंटन की स्कर्ट जो है मंगवाई है क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि किसी अच्छी सी कैंटन स्कर्ट में इन्वेस्ट करूँ, बट क्योंकि थोड़ा सा डाउटफुल रहती थी इसीलिए परचेज नहीं कर रही थी। सो फाइनली मुझे ये कैंटन की स्कर्ट पसंद आ गई है और अब मैं इसी कैंटन स्कर्ट के साथ आप लोगों को बहुत सारे वीडियोज़ दिखाने वाली हूँ। सो मेरी तरफ से तो इस कैंटन स्कर्ट को मिल गया है थम्स अप और अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा ताकि आने वाले मेरे सभी वीडियोस की जानकारी आप तक टाइम से पहुंच सके।